एक बच्चे को मारा है जो बढ़िया खेलता है, रिटमिक्स करके व्रत मारता है भाई, ऐसा पहला ना मेरा मजा आ गया भाई, अंदर से खुशी हुआ भाई, इतने दिन बाद खेलने के बाद भी बच्चा लोग को मार के खुश होता था भाई लिटरली। अरे बच्चे लोग को मारना ही तो हार्ड होता है, बड़ों को तो इजी मार सकते हो। अब मवी आ जाए, आजकल मवी तो बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक लगता है मेरे को, लेकिन भाई ये बंदा आ जाए ना बच्चे लोग, ये लोग क्या पूरे दिन टीडीएम में रहता है, पूरे दिन टीडीएम में रहता है, थोड़ा सा ऐसा हार्ड होता है। मजा आया भाई कल हराया में, वो दो बार बो आ देखे, तीन खेले थे जिसमें दो हराया बट एक मिल रहा है उसको। एज इज नॉट अ बैरियर इन एनी स्पोर्ट, बट हाँ एक होता है कि जितने यंग होते हैं ना बच्चे उतना ज़्यादा उनका रिफ्लेक्स होता है, मसल मेमोरी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। आई मीन मैं एक महीना ग्राइंड करूँगा और एक 15 साल का, 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का लड़का मेरे को होके उठ के हरा देगा या टक्कर देगा एकदम विदाउट एनी ग्राइंड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 25 ईयर्स ऑफ एज एंड 20 ईयर्स ऑफ एज, दैट्स अ बाय डिफॉल्ट ये चीज़ ये होता है। वैसा सोचो वो बच्चे कहाँ से कहाँ जा सकते हैं अगर वो लोग ग्राइंड प्रॉपरली करे तो। अरे वो होता, अरे बाकी तो अब आप ये मत सोचो कि आप 19-20 साल के हो आप नहीं खेल पा रहे, ऐसा नहीं है भाई, वो ऑब्वियसली पहले से खेलते हैं इसीलिए हो रहा है, नए गेम में नहीं होगा ऐसा। उन लोग का मसल मेमोरी स्ट्रांग है, मतलब हम लोग 2 साल खेले सब लोग, ठीक है सारा एज लिमिट 2 साल खेला, अब देर इज अ 2 ईयर ब्रेक, 2 ईयर ब्रेक के बाद अगर हम वापस आएंगे मैं 1 महीना ग्राइंड करूंगा वो आएगा वैसे मार देगा पूरा। तुम उन लोग को लगा कि मैं 19-20 साल का हूँ आज से हम वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर,